हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की सेकंड क्लास है। मेरा नाम है जेपी गर्ग। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स हम लोग ऑलरेडी क्लास वन में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स। मैंने आपको बताया था हेनरी फ्योल इज नोन एज फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, वेयर एफडब्ल्यू टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने टोटल कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, मैंने आपको बताया था हेनरी फ्योल ने टोटल प्रिंसिपल्स दिए थे 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। तो उन प्रिंसिपल्स को याद करने के लिए हमारा एक कोड है, वो कोड आप लोग याद रखेंगे, 14 प्रिंसिपल्स आप लोगों को याद हो जाएंगे। कोड है हमारा यू कट रोडीज। रोडीज की स्पेलिंग अच्छे से देख लेंगे, R एक बार है, O एक बार है, D तीन बार है, I एक बार है, डबल E है, डबल S है, रोडीज, यू कट रोडीज। तो देखिए एक बार कोड को हम देखते हैं। U से है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड को यूनिटी ऑफ एक्शन कहा जाता है। C से है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फिर U से है यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, T से है टेन्योर या स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, R से है रेमुनरेशन, O से है ऑर्डर, D से है डिसिप्लिन, फिर है डिवीजन ऑफ वर्क, देन डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, आई से इनिशिएटिव, ई से इक्विटी, फिर ई से एस्पिरेट द कॉर्प्स, देन स्केलर चेन, देन सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब हम इनको स्टार्ट करते हैं। ये जो कोड है ये आप लोग लिख लेंगे, अगर नहीं लिख पाए हैं तो ऑनलाइन वीडियो है, आगे पीछे करके फिर से वीडियो देखकर आप लोग लिख लेंगे। तो पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क नाम से ही पता चल रहा है, हेनरी फ्योल ने क्या बोला कि ये नहीं होना चाहिए कि एक ही पर्सन बहुत सारे वर्क कर रहा है, हर एक ही वर्क के छोटे छोटे टुकड़े करके डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉइज में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यदि डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो उससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन होगा तो बेटर क्वालिटी आएगी और वर्क स्पीडली होगा। सेकेंड हमारा है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कोड में मैंने इसको डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बताया था। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है पैरिटी, ये वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पैरिटी वर्ड का। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब है पावर, किस चीज की पावर, ऑर्डर देने की और अपने आदेश को फॉलो करवाने की। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है सेंस ऑफ ड्यूटीफुलनेस, अपना जो ऑब्लिगेशन है उसे पूरा करना। तो हेनरी फ्योल ने क्या बोला, पैरिटी होनी चाहिए अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में। पैरिटी का मतलब है बैलेंस, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अथॉरिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और अथॉरिटी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों में पैरिटी होना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर को अथॉरिटी तो दे दी गई और रेस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं तो मिस यूटिलाइजेशन होगा ना, और रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी अथॉरिटी नहीं दी तो भी मिस यूटिलाइजेशन होगा, तो बैलेंस होना चाहिए। तीसरी बात है डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए। वो कैसे होगा, जब सुपरवाइजर्स बढ़िया होंगे, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होगा। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट का मतलब है रूल्स अच्छे होने चाहिए और पेनल्टी वगैरह लगेगी तब। फोर्थ है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का ही दूसरा नाम होता है यूनिटी ऑफ एक्शंस। ये क्या कहते हैं, मान लो कि आपकी मम्मी ने आपको बोला है कि मार्केट से मिल्क लेकर आना है और आपके पापा ने आपको बोला है कि आप बाहर जाओ और खेलो आराम से, घर पर सारे दिन मत बैठे रह करो, इससे आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो आपको एक ही टाइम पर दो लोगों से ऑर्डर मिल गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वर्क करूं। यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, एक एम्प्लॉई को साइमल्टेनियसली एक ही वर्कर, एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। तो इसके अंदर आप एक सेंटेंस याद कर लेंगे, वन एम्प्लॉई वन बॉस, ये होना चाहिए। बस ये याद करते ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो नोट्स है वो बहुत बढ़िया बनाए हैं अभिषेक सर ने, डायरेक्टली इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। यदि आप लोगों ने पहले नेट का पेपर दिया है तब तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि नोट्स की क्या क्वालिटी है, और आप लोगों ने यदि पेपर नहीं दिया है तो आप नोट्स मंगवा लीजिए, और अगर नहीं मंगवाते हैं आप नोट्स तो अगर आप पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी करके देखेंगे, साहित्य वगैरह के भी, तो भी आपको पता चल जाएगा मार्केट में जितनी भी बुक्स आई हुई है उन्होंने बस कॉपी पेस्ट किया है, नोट्स के अंदर कुछ नहीं है, क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, और इनमें से डायरेक्ट आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, कोई फालतू की बकवास नहीं की गई है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग नोट्स की जरूर व्यवस्था कर लेंगे। एफडब्ल्यू टेलर ने देखो यूनिटी ऑफ कमांड को क्या कहा था, मिलिट्री टाइप ऑफ फोरमैन कहा था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर दो चीजें हैं, पहली चीज तो है वन यूनिट
वन प्लान, एक तो आप लोग ये याद रखेंगे। दूसरी हमारी बात है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर ही वन यूनिट वन हेड, ये दोनों ही चीजें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से रिलेटेड है। एक तो हो गया वन यूनिट वन प्लान, सेकंड है वन यूनिट वन हेड। वन यूनिट वन प्लान का मतलब क्या है, यहां पर यूनिट का मतलब है एक टीम, एक ग्रुप। तो एक टीम का एक ही प्लान होना चाहिए। जैसे मान लो क्रिकेट टीम है और टेस्ट मैच हो रहा है, अब कुछ खिलाड़ी तो सोच रहे हैं कि हमें मैच को ड्रॉ करना है, कुछ सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, तो फिर काम नहीं हो पाएगा ना। एक ही डायरेक्शन में उनको वर्क करना चाहिए। बेंच को उठाना है, दो बच्चे नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं, दो ऊपर की तरफ, तो काम नहीं हो पाएगा। सभी लोगों के एफर्ट सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए। वन यूनिट वन हेड का मतलब है एक यूनिट का, एक डिपार्टमेंट का एक ही हेड होना चाहिए। स्कूल में कॉमर्स डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है, आर्ट्स डिपार्टमेंट है, तो तीनों के लिए अलग अलग हेड होगा। आर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए एक ही हेड होगा, तो डायरेक्शन की यूनिटी रहेगी। फिर देखिए छठा हमारा पॉइंट है सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखिए सबोर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, सबोर्डिनेशन का मतलब होता है छोटा मानना, जूनियर मानना। सबोर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब है इंडिविजुअल इंटरेस्ट को छोटा मानना है, जनरल इंटरेस्ट को बड़ा मानना है। हमें ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट करना है, खुद का बेनिफिट नहीं करना है। यदि हम परचेज मैनेजर है और रॉ मटेरियल परचेज करना है, तो हमें वहां से परचेज करना चाहिए जहां से सबसे बढ़िया और रीजनेबल प्राइस पर मिलेगा। ये नहीं है कि हम हमारे रिलेटिव से परचेज कर लें। सातवां पॉइंट है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉईज को फेयर बढ़िया रेमुनरेशन देना चाहिए। बेकार रेमुनरेशन देंगे तो एम्प्लॉई थोड़े दिन काम करेगा फिर छोड़कर चला जाएगा। सेंट्रलाइजेशन, देखिए दो चीजें होती है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ये चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। सेंट्रलाइजेशन में एक वर्ड याद रखेंगे, कंसंट्रेशन। सेंट्रलाइजेशन नहीं, कंसंट्रेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन में याद रखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग मैंने क्या बताया, सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग मैंने बताया कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन का मतलब किसी चीज का एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाना। जैसे गर्मी कहां पर कंसेंट्रेट हो रही है, सूरज के पास। आपका ध्यान कहां पर कंसेंट्रेट हो रहा है, मेरे नोट्स पर। तो कंसेंट्रेशन होना चाहिए। कंसेंट्रेशन किस चीज का, पावर का। पावर किस चीज की, डिसीजन मेकिंग की। और कहां पर कंसेंट्रेशन, टॉप लेवल मैनेजमेंट पर। सेंट्रलाइजेशन मींस द कंसेंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कहने का मतलब सेंट्रलाइजेशन में सभी डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है, और डिसेंट्रलाइजेशन में ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं। तो हेनरी फ्योल ने क्या बोला, सिर्फ आप सेंट्रलाइजेशन अप्लाई मत करो, सिर्फ आप डिसेंट्रलाइजेशन भी अप्लाई मत करो, दोनों अप्लाई करने चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्क के लिए सेंट्रलाइजेशन और लेस इंपॉर्टेंट के लिए डिसेंट्रलाइजेशन। अगली चीज है स्केलर चैन। स्केलर चैन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए कि ए को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा है, बी को बी कर रहा है, सी को डी कर रहा है, ई को ई कर रहा है, एफ को। ए अगर डायरेक्टली सी से कम्युनिकेशन करना चाहता है तो नहीं कर सकता, ए को पहले इंफॉर्मेशन बी को बतानी पड़ेगी, बी सी को बताएगा। और ऐसे ही ए अगर डी को बताना चाहता है तो वो भी नहीं हो सकता, ए अपनी इंफॉर्मेशन पहले बताएगा सी को, बताएगा सी बताएगा डी को। तो ये तो हो गई स्केलर चैन। स्केलर चैन क्या करती है, स्केलर चैन दो चीजों का फ्लो बताती है, एक तो कम्युनिकेशन का फ्लो बताती है और एक अथॉरिटी का फ्लो बताती है। तो ये जो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये क्या कर रहा है, दो चीजों का फ्लो बता रहा है। कम्युनिकेशन का फ्लो बता रहा है ना कि ए बी को बताएगा, बी सी को, सी डी को, डी ई को, ई एफ को। और अथॉरिटी का भी फ्लो बता रहा है कि ए के पास ज्यादा अथॉरिटी है, बी के पास कम है, सी के पास और कम है, डी के पास और कम है, और एफ के पास सबसे कम है। तो ये स्केलर चैन हो गया। इससे क्या फायदा होगा, जो मैनेजर्स हैं वो अनइम्पोर्टेंट चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान देंगे। अगर स्कूल में छोटे छोटे बच्चे अनइम्पोर्टेंट चीजों के लिए प्रिंसिपल सर के पास जाएंगे कि सर इसने हमारा पेन ले लिया, इसने पेंसिल ले ली, इसने हमारे पेन चला दिया, इसने सीट रोक ली, तो प्रिंसिपल का टाइम खराब होगा ना। इसलिए हेनरी फ्योल ने स्केलर चैन बनाया। अब देखिए कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, डी के डिपार्टमेंट में आग लग गई और ए ने देख लिया और किसी ने नहीं देखा। अब ये होना चाहिए क्या, ए बी को बताए, बी सी को, तब तक तो
एफ बचेगा ही नहीं, तो क्या होना चाहिए वहां पर, डायरेक्ट बता देंगे। तो ये होता है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक क्या होता है, स्केलर चेन का एक्सेप्शन है, वहां पर स्केलर चेन को फॉलो नहीं करेंगे, डायरेक्टली कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगली हमारी चीज है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है सिस्टेमेटिकली अरेंजमेंट। तो इसके अंदर आपको एक पॉइंट याद रखना है, एक वर्ड याद रखना है, राइट थिंग एट राइट प्लेस। सही चीजें सही जगह पर होनी चाहिए, सही चीजें सही जगह पर होनी चाहिए। यहाँ पर थिंक का मतलब क्या है ये भी आपको फोकस करना है। यहाँ पर थिंक का मतलब केवल मटेरियल नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी है और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, दोनों ही आ गए। मेरा एक फ्रेंड है, वो एक स्कूल में पढ़ाता है, तो 11, 12th की अकाउंटेंसी पढ़ाता है। तो वो स्कूल गया तो वहां पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट आई और उन्होंने मेरे दोस्त को बोला कि सर आज हमारी एलकेजी वाली मैम नहीं आई है, आप फ्री हो, आप चले जाओ क्लास में। तो देखो हुआ क्या, थिंग तो राइट है लेकिन उसे अपन ने गलत जगह पर रख दिया है। इसी तरीके से कभी आप एलकेजी वाली मैम को 12th की क्लास में भेज दोगे तो काम नहीं चलेगा ना। राइट थिंग एट राइट प्लेस होनी चाहिए। मोदी जी है हमारे, अब वो राइट जगह पर आए हैं, उनसे आप चाय बनवाओगे तो थोड़ी ना देश का भला होगा, कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगे। तो राइट थिंग एट राइट प्लेस होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है इक्विटी। इक्विटी में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, इक्विटी होनी चाहिए, सभी को इक्वल मानना चाहिए। छोटा बड़ा जाति धर्म किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। आप लोगों को पता ही है कि जेंट्स के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता है, फीमेल को ज्यादा अहमियत दी जाती है। एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में तो आपको यही बोलना है कि फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो होना नहीं चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूँ मैं आपको, देखो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूँ और काफी सारे सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको ये वर्ड बताया LTR से आपकी कोस्टिंग भी कवर होती है और HRM भी कवर होता है। LTR की फुल फॉर्म होती है लेबर टर्नओवर रेशियो। ये आप लोग लिख लेंगे, नहीं लिख पाए वीडियो को स्टॉप कर देंगे, फिर लिख लेंगे लेबर टर्नओवर रेशियो। लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होता है, लेबर टर्नओवर रेशियो ज्यादा है या कम है। मान लीजिए कि आप किसी हॉस्पिटल में गए, वहां पर आपको फिर 10 दिन बाद में आप फिर से गए हॉस्पिटल में, तो आपको नया स्टाफ नजर आया। 10 दिन बाद में फिर से गए, फिर से नया स्टाफ नजर आया, तब तो LTR ज्यादा है। यदि एम्प्लॉई बार बार चेंज होते रहते हैं, नए एम्प्लॉई आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, तब तो होता है LTR ज्यादा। और वही एम्प्लॉई परमानेंट है तो बोलेंगे LTR कम है। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए, LTR ज्यादा होगा तब फायदा है, LTR कम होगा तब फायदा है? वही एम्प्लॉय कंटिन्यूसली रहेंगे तब बेनिफिट है, या एम्प्लॉय को चेंज करते रहना चाहिए, नए नए आने चाहिए? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, LTR कम होना चाहिए, वही एम्प्लॉय परमानेंटली रहने चाहिए। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब है एम्प्लॉय को बार बार हटाया नहीं जाना चाहिए, उन्हें डेवलप करना चाहिए, LTR को कम करना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा इनिशिएटिवनेस। इनिशिएटिवनेस का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिवनेस का मतलब होता है नई चीजों के लिए पहल करना। तो एम्प्लॉयज को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सजेशन बॉक्स लगानी चाहिए, रिकग्निशन होना चाहिए, उन्हें रिवार्ड दिए जाने चाहिए। एस्पिरेट द कोर्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर याद रखेंगे टीम वर्क, टीम वर्क से काम होना चाहिए, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। फिर देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो हेनरी फ्योल थे वो कौन सी कंपनी में वर्क करते थे और जो FW टेलर थे वो कौन सी कंपनी में वर्क करते थे। तो आप लोगों को पता है कि जो FW टेलर थे वो माइनिंग इंजीनियर थे, तो वो काम करते थे मिडवेल स्टील वर्क्स में। माइनिंग इंजीनियर से आपको स्टील याद आ जाएगा, स्टील याद आ जाएगा तो माइनिंग इंजीनियर याद आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो देखो याद करना ही पड़ता है। एग्जाम में पास होने के ना चार तरीके होते हैं दोस्तों। पहला तरीका तो ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लो। दूसरा तरीका होता है आप ट्रिक्स से चीजों को समझ लो, जैसे मैंने आपको कोड बता दिया यू कट रोड इज और ट्रिक्स से आपने याद कर लिया। तीसरा तरीका होता है आपने तो आंसर ही याद कर लिया, आपने आंसर याद कर लिया कि इस क्वेश्चन का आंसर तो हमेशा ये आता है। जैसे आपने इकोनॉमिक्स में याद कर लिया कि AFC हमेशा हाइपरबोला रेक्टेंगुलर होती है, आपको नहीं पता क्या होता है हाइपरबोला, बस याद कर लिया। और चौथा तरीका होता है पास होने का पड़ोसी का आंसर देख लेना। तो चारों तरीके हैं, आपको चारों तरीके लगाकर देखने हैं। आपको ये नहीं है कि कुछ इंटेलिजेंट बच्चे कहते हैं कि मैं तो रट नहीं सकता, भाई रटना पड़ता है, यहाँ पर रिजल्ट देखे जाते हैं, कोई नहीं देखता है कि आपने मेहनत कितने की है। तो फर्स्ट तरीके से कर सकते हो कॉन्सेप्चुअल, बहुत बढ़िया है, वरना दूसरा तरीका ट्रिक से कर लो, वरना तीसरा तरीका रट लो, और तीनों से भी नहीं हो पाए तो पड़ोसी का देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो देखिए मैंने बताया कि एफडब्ल्यू टेलर कहाँ वर्क करते थे, माइनिंग इंजीनियर थे और मिडवेल स्टील वर्क्स में काम करते थे, और जो हेनरी फ्योल थे वो कॉम्पिनियन द कमेंट्री फोर चेंबल वेल्ट में काम करते थे। ये आपको रटना पड़ेगा, तीसरा तरीका आपको लगाना पड़ेगा। फिर देखिए हमारा लास्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये किसने दिया था? मैक्स वेबर ने दिया था। ये आपको ध्यान रखना है कि मैक्स वेबर ने दिया था। इसके अंदर कुछ खास है नहीं, आसान सा है। देखिए ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? ब्यूरोक्रेटिक का मतलब होता है रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। सर ये लाल फीताशाही क्या होता है? देखिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है वहां पर धीरे धीरे काम होता है, छोटा सा काम होगा उसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैक्स वेबर क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होना चाहिए। अब ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट होगा तो क्या होगा? रूल्स रेगुलेशन कम होंगे कि ज्यादा होंगे? ज्यादा होंगे। फॉर्मल तरीके से काम होगा कि इनफॉर्मल तरीके से काम होगा? फॉर्मल तरीके से काम होगा। पर्सनल रिलेशन होंगे कि इम्पर्सनल होंगे? इम्पर्सनल होंगे। तो इस तरीके से काम होगा। एक बार मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूं, अकॉर्डिंग टू जर्मन साइंटिस्ट। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैक्स वेबर जर्मन साइंटिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू जर्मन साइंटिस्ट मैक्स वेबर, ए ब्यूरोक्रेसी इज हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, फॉर्मेलाइज्ड होती है, इम्पर्सनल होती है। अभी मैंने आपको बताया था, ही इंस्टीट्यूटेड द रिगोरियस बिलीफ दैट एन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव ए डिफाइंड हिराचिकल स्ट्रक्चर गवर्न्ड बाय ए क्लियर डिफाइंड रूल्स रेगुलेशन एंड लाइन ऑफ अथॉरिटी। वेबर्स आइडियल ब्यूरोक्रेसी पजेजेज द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट फीचर, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वेल डिफाइंड हिरार्ची होगा और रूल्स होंगे। तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट है। एक बार मैं मैक्सिमम 3 मिनट्स में आप लोगों के लिए रिवाइज करा रहा हूँ, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला तो जनरल मैनेजमेंट के, दूसरा साइंटिफिक मैनेजमेंट के। जनरल मैनेजमेंट के तो किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के एफ डब्ल्यू टेलर ने। एफ डब्ल्यू टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं और हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहते हैं। एफ डब्ल्यू टेलर ने 4 प्रिंसिपल दिए थे, साइंस नोट ए रूल ऑफ थम, साइंस लगाओ जो पुरानी चीजें वो मत लगाओ, हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, कोऑर्डिनेशन से काम करो, एक दूसरे की टांग मत खींचो, कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन से काम करो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से काम मत करो, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को डेवलप करने का काम करो, उनको ट्रेनिंग दिलाओ, उनको डेवलप करो। और हेनरी फ्योल ने टोटल 14 प्रिंसिपल दिए थे, जिनके लिए मैंने कोड बताया था यूकट रोडीज, यू से बताया था यूनिटी ऑफ कमांड, सी से बताया था सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, यू से बताया था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, टी से टेन्योर, आर से रेमुनरेशन, ओ से ऑर्डर, डी से डिसिप्लिन, डी से बताया था डिवीजन ऑफ वर्क, फिर डी से डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। नोट्स में सिर्फ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बताया। आई से इनिशिएटिव, ई से इक्विटी, फिर ई से एस्पिरिट द कॉर्प्स, एस से स्केलर चैन और एस से सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। लास्ट मैंने आप लोगों को ये बताया कि ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट किसने दिया था? मैक्स वेबर ने दिया था। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। यों के यों नोट्स के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये नोट्स आप लोगों की गीता है, जो कुछ है यही है, इसके बाहर से और कुछ नहीं जाएगा। थैंक यू।